टेक्निकल प्रोत को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल पुरोहित चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नरेश लव पुरोहित। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर की लाइब्रेरी की एप्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन हमारी ऐड कैसे होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जब से प्ले स्टोर को यूज़ करते हैं और हम जितने भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं वो इस लाइब्रेरी में ऐड होती रहती है। तो दोस्तों, चाहे हम मोबाइल से भी इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो भी दोस्तों ये यहाँ पर ऐड होती रहती है। तो दोस्तों, आपका जो प्ले स्टोर है वो प्रॉपर वर्क करे इसलिए इन सभी ऐप्स को यहाँ से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप एक ही क्लिक में इन सभी ऐप्स को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दोस्तों इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में इसको रिमूव कर ले। अगर आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन इसमें लाइब्रेरी में ऐड है तो दोस्तों आप धीरे धीरे करके भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आप प्ले स्टोर की लाइब्रेरी की ऐप्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल वाले आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हम अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पर और आपको सबसे पहले आपका जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा कॉर्नर में, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर माई एप्स एंड गेम का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे बहुत सारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे अपडेट का, इंस्टॉल का, लाइब्रेरी का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आपको कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक ही बार में रिमूव कर लो। तो दोस्तों, आप धीरे धीरे इसको रिमूव कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आप देख सकते हो ये सबसे ऊपर वाला जो ऐप्स है आप इसके सामने क्रॉस का एक आइकॉन बना हुआ है। तो दोस्तों, इस क्रॉस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस रिमूव पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक एक करके आप जितने भी एप्लीकेशन आपकी लाइब्रेरी में है उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको आप एक ही दिन में नहीं कर पाओगे, तो आपको जब भी टाइम मिले इसको ऐसे रिमूव कर लेना ताकि आपका जो प्ले स्टोर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे और आपका जो मोबाइल है वो हैंग ना हो। तो दोस्तों, इसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको सभी को एक एक करके रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।